Dear students, welcome on RCE online Pathshala. Now we start question number second. देखिए जो हमारा कल question number first था वो क्या था, R vector equal to, उसमें हमें कार्टिशियन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, जबकि यहाँ इसमें है वेक्टर फॉर्म में, और प्रूव क्या करना है हमें, नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब एक दूसरे को जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब कैसे करना है इसका मेथड देख लेना। अभी देखो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस क्या है भाई, आर वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लेमडा टू आई प्लस के, इसको आपने क्या बोला फर्स्ट, और आर वेक्टर इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस के, ये क्या हो गया सेकेंड। इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन, इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन आर वेक्टर विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। देखिए देयरफॉर आर वेक्टर ऑफ लाइन फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर ऑफ लाइन सेकेंड, ठीक है। क्या कहा है मैंने आपको, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस बोला है, तो आर वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा टू आई प्लस के, ये हो गया है दूसरा, ये हो गया। अब देखो प्रूव तो कर रहे हैं हमें नॉट इंटरसेक्टिंग, लेकिन चलना क्या है, इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, देखो इसे ही फॉर्मेट में यूज करना है। मैंने बताया था ना कि हम तीन इक्वेशंस बनेंगे लास्ट में, उनमें से किन्हीं दो को से हम जो अननोन है उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और थर्ड में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इसका मतलब कंफर्म है यहां पर जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो थर्ड में क्या करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। आई पास आज में ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो क्या कहा, इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन आर वेक्टर विल सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस, देयरफॉर आर वेक्टर ऑफ लाइन वन इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ लाइन टू। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और जिन क्वेश्चंस की थ्योरी टफ है उन क्वेश्चंस को मैं पहले ही बोर्ड में लिखूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन जिसकी टफ हुई तो कैलकुलेशन को एक छोटे वीडियो में पूरा लिखना इतना इजी नहीं होता है। आई माइनस जे प्लस लेमडा टू आई प्लस के इक्वल टू क्या होगा, देखो आर वेक्टर की वैल्यू रखती है ना आई, देखो आर वेक्टर ऑफ लाइन वन क्या हो गया आई माइनस जे प्लस लेमडा टू आई प्लस के, और दूसरे में क्या होगा टू आई माइनस जे प्लस म्यू, और क्या होगा आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। अब उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, आई माइनस जे प्लस लैम्डा टू आई प्लस के, और टू आई माइनस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। अब इसके बाद इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है। ये जो आप वीडियो देखते हैं इन्हें एक तो सीरियल वाइज देखना है, डेली का डेली फेस करना है, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर देना है, आप ऐप पे भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको तुरंत सोल्व करके बता दूंगा। देखिएगा आगे कैसे होगा, ध्यान देना है ना। देखो यहां से क्या होगा वन, और यहां से क्या होगा टू लैम्डा, और यहां पे क्या होगा आई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्लस माइनस वन
इसको तो आप माइनस जे ही रखो क्योंकि के का वैल्यू इधर है नहीं, और इसको क्या करोगे लैम्डा के, ठीक है ना। देखो आई था यहां से वन आया, वन प्लस टू लैम्डा आई, और जे पे क्या है माइनस जे, और ये क्या हो गया लैम्डा के, ठीक है। इसको भी ऐसे सोल्व कर लो, क्या होगा देखो टू प्लस म्यू, और यहां से क्या होगा आई, और प्लस माइनस वन प्लस म्यू, और जे सोल्व करके देख लो माइनस जे प्लस जे म्यू, ठीक है, और यहां से क्या होगा माइनस का म्यू के, क्लियर है, इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, मतलब आई के जो कोफिशियंट्स हैं उनको आई के इक्वल, और जे के जो कोफिशियंट्स हैं उनको के इक्वल करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करो। तो देखो भाई वन प्लस टू लैम्डा इक्वल टू क्या होगा टू प्लस म्यू, यही है, और क्या होगा माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस म्यू, देखो ना जे का कोफिशियंट क्या है माइनस वन, और यहां पे जे का कोफिशियंट क्या है माइनस वन प्लस म्यू, और थर्ड क्या होगा लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू। इसको आप थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ बोल दो। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू विल बी म्यू इक्वल टू जीरो, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इक्वल टू, देखो ध्यान से ये माइनस वन कैंसिल आउट हुआ तो म्यू इक्वल टू जीरो आया। अब जीरो यहां रखो तो टू माइनस वन तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू, ठीक है। फ्रॉम थ्री एंड फोर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू विल बी, अब देखो इसको सोल्व करने की नीड नहीं हुई, क्या कहा मैंने कि माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हुआ तो यहां से यू की वैल्यू क्या है जीरो आई। अब यहां जीरो मेंशन किया तो क्या हुआ वन प्लस टू लैम्डा इक्वल टू टू, तो सेपरेशन करो टू लैम्डा इक्वल टू टू माइनस वन, यानी टू लैम्डा इक्वल टू वन, और लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा वन बाई टू, तो वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा विल बी जीरो एंड वन बाई टू रेस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पे वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा पुट इन फिफ्थ वी गेट, देखो यहां पे क्या होगा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके आगे लिख देता हूं नीचे दिखाई नहीं देगा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है वन बाई टू, इक्वल टू क्या होगा म्यू की वैल्यू जीरो है तो माइनस जीरो भी जीरो ही होगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप नॉट सेटिस्फाइड, तो आप लिख सकते हो आगे वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। देखिए ना वन बाई टू इक्वल टू क्या आया जीरो आया, तो सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, तो हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन फिफ्थ, देयरफॉर बोथ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया कंप्लीट। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें सेम वही था, केवल केवल हल्का सा आपकी जो लिखने का जो मेथड है वो अलग था, आपने किन्हीं भी दो क्वेश्चन, आप जरूरी नहीं है आप ये लो थर्ड लो, आप फोर फाइव पे ले सकते थे, फिर आपको थर्ड में रखना पड़ता। तो मेरी क्या हैबिट है, मैं जो इनिशियल जो टू इक्वेशंस होती है वहां से वैल्यू को पिक करता हूं, तो हमने निकाला कि म्यू इक्वल टू जीरो और लैम्डा इक्वल टू क्या है वन बाई टू, और यहां से क्या लिखा वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा पुट इन फोर्थ नहीं है पुट इन फिफ्थ, ठीक है। क्या है फिफ्थ लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू, तो वन बाई टू इक्वल टू जीरो, और ये क्या है नॉट सेटिस्फाई हो है,
कंप्लीट है ना, क्योंकि इक्वल नहीं है, अरे फॉल्स है ना स्टेटमेंट। तो मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन विथ, देयरफॉर बोथ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। और जो इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में आने की उसकी पॉसिबिलिटी मुझे 100% लगती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके अगले वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले पूरा फोकस मेरा आपको समझाने पे रहेगा, ध्यान देना, और ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और ये आपके 2021 में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बोला था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द लाइन 4 - x/2 = y/6 = 1 - z/3। ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान देना ध्यान से। देखो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स, देखो आपके पास इक्वेशन कौन सी गिवन लाइन की, ये है, ये है देखो 4 - x/2 y/6 और 1 - z/3। ध्यान दो, जब हम कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिखते हैं, x - x1 / a y - y1 / b और क्या लिखते हो z - z1 / c। तो ध्यान देना यहां पर x - 4, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आया, वो मैंने कहां ले लिया, डिनोमिनेटर में ले लिया। ऐसे देखो यहां पे y - 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, y - y1, तो y1 अपने पास है नहीं, तो 0 लिख दो अपॉन 6। ऐसे देखो z - 1 करूंगा तो यहां पे एक माइनस लगेगा, उसको मैं कहां ले आया, डिनोमिनेटर में ले आया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इसका मतलब समझना, जैसे आपके पास ये तो गिवन लाइन है, ये आपके पास क्या है, गिवन लाइन है, यूज आ रही है, समझ गए। और इस पॉइंट को, इसका जो टॉप है इसको बोलो 2, 3, 4 है ना, ये जो 2, 3, 4 है इससे इस लाइन पर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, समझ गए। 2, 3, 4 से इस लाइन पर क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, P 2, 3, 4 और ये आपकी लाइन है, लाइन क्या है, ये रही इक्वेशन x - 4 / -2 y - 0 / 6 z - 1 / 3 किसका, माइनस का। अब ये आपको पता है, कर सकते हैं इसको इक्वल टू में r1, ये हम एज्यूम करते हैं। अब देखो